इंटरनेशनल क्रिकेट की बात कर रहा हूं मैं। ये पहला T20 मैच था जिसमें दो सुपर ओवर्स खेले गए। इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान के तीसरे T20 मैच में विजेता खोजने के लिए हमें दो सुपर ओवर्स देखने को मिले। पहले इंडिया ने बैटिंग करी और 212 रन बोर्ड पे टांग दिए, यानी सिर्फ और सिर्फ 20 रन के लक्ष्य पर भारत ने 4 विकेट अपने गंवा दिए थे। वहां से रोहित शर्मा और रिंकू सिंह ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और 180 रनों की साझेदारी कर दी, जो कि T20 इतिहास के 5वें नंबर की सबसे बड़ी पार्टनरशिप थी। उसी के साथ में अगर हम बात करें तो रोहित शर्मा ने इस मैच में 121 रनों की पारी खेली, वहीं पर रिंकू सिंह ने 69 रनों की पारी खेली। लास्ट ओवर भारतीय पारी का जो था उसमें भारत ने 36 रन बनाए, जिसमें से लास्ट तीन गेंदों पर रिंकू सिंह ने 3 छक्के लगाए लगातार, वहीं पर उससे पहले रोहित शर्मा 2 छक्के लगा चुके थे और 1 चौका लगा चुके थे, जो कि 1 छक्का नो बॉल पे आया था। यानी लास्ट ओवर में भारत ने 36 रन बनाए। वहीं पर अफगानिस्तान की बात करें तो फरीद ने अच्छी गेंदबाजी करी और जिसकी वजह से ही भारत अपना 4 विकेट गंवा चुका था सिर्फ 20-22 रनों पर। तो यानी उसी के दबाव को खत्म किया रोहित शर्मा और रिंकू सिंह ने, उसके बाद में कोई विकेट नहीं गिरी। लेकिन जब अफगानिस्तान बैटिंग करने आई तो भाई साहब ताबड़तोड़ शुरुआत वहां पर रहमानुल्लाह गुरबाज ने दिलाई। दोनों ओपनर्स ने 50-50 रन की पारी खेली, यानी कह सकते हो कि बहुत ही जबरदस्त पारी खेली दोनों ओपनर्स ने। उसी का फायदा अफगानिस्तान को मिला और अफगानिस्तान जो है वो पहुंची 212 रनों तक, यानी मैच को टाई करवा दिया। लास्ट में बल्लेबाजी करी गुलबदीन नाइब ने, जो बल्लेबाजी करी लास्ट में वो जबरदस्त थी। वो 50-55 रन वाली जो पारी थी गुलबदीन की वो बहुत जबरदस्त थी। उसी पारी ने अफगानिस्तान को इस मैच में वापसी दिलाई। मोहम्मद नबी को आप नहीं बोल सकते हो, सिर्फ और सिर्फ 9-10 बॉल्स में उन्होंने 36 रन ठोक दिए थे, जो कि बहुत भाई साहब अनबीटन वाला काम था। उसके बाद में अगर हम बात करें तो मैच जो है वो टाई हुआ, लेकिन अब बारी आई थी सुपर ओवर की। सुपर ओवर आया, सुपर ओवर भी भाई साहब टाई हो गया। सुपर ओवर यानी सुपर ओवर में अफगानिस्तान ने 16 रन बनाए। भारतीय टीम बैटिंग करने आई तो सुपर ओवर अफगानिस्तान की तरफ से सुपर ओवर खेलने आए थे रहमानुल्लाह गुरबाज और गुलबदीन, यानी सुपर ओवर में अफगानिस्तान ने 16 रन बनाए। उसके बाद बैटिंग करने आती है भारतीय टीम, जहां पर रोहित शर्मा शुरुआत करते हैं पारी की और भारतीय टीम इस सुपर ओवर को टाई कहीं कर पाती है, जीत नहीं पाती है। इसके बाद में आता है दूसरा सुपर ओवर, जहां पर भारतीय टीम पहले बैटिंग करती है और पहले 3 गेंदों पर रोहित शर्मा 11 रन ठोक देते हैं। उसके बाद में एक भी रन नहीं जुड़ता और 2 विकेट गिर जाते हैं। सुपर ओवर में आपको 2 ही विकेट खेलने को मिलते हैं, 3 प्लेयर्स ही खेल सकते हैं, बैटिंग कर सकते हैं। ऐसे में 2 विकेट गिरने के बाद में भारतीय पारी सिर्फ 11 रन पर समाप्त हो गई, जहां पर लोगों को लगने लगा कि अफगानिस्तान इस मैच में वापसी कर चुकी है और जीत जाएगी अगर वो नॉर्मली खेले तो। भाई साहब मुकेश कुमार पहले मैच में बॉलिंग कर चुके थे तो ऑप्शन नहीं थे, वो दूसरा कोई दूसरे को किसी को ही बॉलिंग करवानी थी रोहित को, तो ऑप्शन में आवेश खान नजर आ रहे थे। लेकिन मैं रवि बिश्नोई को बॉल दे दी, यानी स्पिनर को बॉल दे दी और बैटिंग पे थे नबी, जो हार्ड हिटिंग है और भाई साहब स्पिनर्स को बहुत तगड़ा तोड़ते हैं। नबी को पहली गेंद पर सीधा स्ट्रेट पर आउट, कैच आउट करा दिया। दूसरी गेंद पर 1 रन बनता है, तीसरी गेंद पर फिर भाई साहब खत्म हुआ, बस वहीं पे मैच हो जाता है क्लोज। यानी 2 सुपर ओवर्स के बाद में अफगानिस्तानी टीम की मोए मोए हो गई। तो कैसा लगा आपको आज का ये मैच, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग था और क्या आपको देखकर मजा आया, जरूर बताना। एंड फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियो अपने चैनल पर लाते रहते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।